बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मिनी कीमा समोसा बनाना सिखा रही हूँ। इसको आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे इसको निकालें और फ्राई कर लें। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 300 से 350 ग्राम गाय का कीमा ले लिया, ये चर्बी के साथ है। इसमें मैं 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चाय का चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पर मैंने 1/2 खाने का चम्मच जीरा और 1/2 खाने का चम्मच सूखा धनिया, उन दोनों को मैंने भून लिया था तवे पर ऑयल के बगैर और उसको फिर मैंने कूट लिया है, तो ये मैं ऐड कर दूंगी। 3 मिर्चें लेकर मैंने इसका पेस्ट बना लिया, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच मैं लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। 1/2 खाने का चम्मच मैं हल्दी यूज़ कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसको कुक कर लूँगी 2 से 3 मिनट। ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इसका देखें कीमे का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 चम्मच ये हरा धनिया और 1 से 2 चम्मच ये पुदीना ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 8 से 10 मिनट मैं इसको ऐसे ही कुक कर लूँगी दरमियानी आग पर ताकि अच्छी तरीके से गल जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 7 से 8 मिनट हुए हैं तकरीबन और कीमा जो हमारा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। ये देखिए जितना भी जो मिक्सचर है इसमें बॉल में निकाल लेंगे। मैंने 2 प्याज ले ली थी और उसको मैंने ऐसे छोटा छोटा ये जो है चॉप कर लिया जैसे हम आमलेट में डालते हैं, तकरीबन 2 कप के बराबर है। ये ऐड कर दूंगी मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे जो कीमे के समोसे हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और जैसे बाज़ार में मिलते हैं वैसे ही टेस्ट बिल्कुल आता है। और ये पुदीना डाल दूंगी 1 तकरीबन खाने का चम्मच और ये 2 से 3 खाने के चम्मच धनिया और इसमें 1 चाय का चम्मच ही मैं लीमू का रस ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको ठंडा करने के लिए मैं एक जगह छोड़ दूँगी। यहाँ पर जो समोसे का मिक्सचर है वो भी ठंडा हो चुका है और ये मैंने समोसा शीट ले ली है। अब इसकी लई बनाएंगे जिसको स्लरी भी कहते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया 3 खाने के चम्मच और इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच पानी डाल देंगे, यहाँ हसबे ज़रूरत। तो इसकी पतली सी लई बना लेंगे ताकि हम इसको सील कर सकें समोसों को। ये देखिए इसकी पतली सी पेस्ट रेडी हो गई है। मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच पानी लिया था जिसमें से ये बच गया, तो 3 चम्मच तकरीबन लगा होगा। अब इसके समोसे बनाना स्टार्ट करेंगे। एक शीट में ले लूँगी ये, इसको यहाँ पे आपने ज्वाइन करना है, ये चीज़ पकड़ के यहाँ पे ज्वाइन किया और इसको यहाँ से दबा के इसके इक्वल ले आएंगे और यहाँ से ये पकड़ेंगे। इधर फिलिंग डाल लेंगे जितनी भी आप डालना चाहें। और यहाँ से इसको दबा के ये ऐसे कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से भी इसको दबा के ऐसे कर लेंगे और इस साइड पे ये जो पेस्ट है ये लगा देंगे और इसको सील कर देंगे। तो ये देखें ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का समोसा रेडी हो गया है। और दूसरा तरीका ये है कि ये पकड़ के यहाँ से इसको हम यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ से पकड़ के ताकि हमने ये सील करना है, ये देखें इसको ऐसे कर देंगे और जो ये वाला हिस्सा है इसको पकड़ लेंगे और इसके अंदर हम ये फिल कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ से हम ऐसे करेंगे और इसको अच्छी तरीके से अंदर कर लेंगे और दबा के ऐसे कर लेंगे, यहाँ से भी दबा के ऐसे कर लेंगे फोल्ड और यहाँ पे हम ये लगा देंगे, ये जो हमने पेस्ट बनाई थी। और ये देखिए 2 डिफरेंट शेप्स रेडी हो गई हैं। जो आपका दिल चाहे आप इसको वैसे आप बना सकते हैं। ये देखिए सब समोसे मैंने रेडी कर लिए हैं। ये तकरीबन 42 समोसे रेडी हुए हैं इस मिक्सचर में। अब मैं इसको
जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज कर लूँगी। और कुछ मैंने निकाल लिए अभी फ्राई करने के लिए थोड़े से, इसके ऊपर मैं आज की डेट लिख दूँगी। ऑयल मैंने गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पर, अब इसको मैं फ्राई करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तेज आंच पे फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम आंच पे करेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये क्रिस्पी हो जाए। एक साइड से हो जाएंगे तो फिर इसके साइड चेंज कर लेंगे थोड़ी देर के बाद। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं, इसी तरह मैं बाकी भी फ्राई कर लूँगी और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस मसनद अहमद से ली गई है, हज़रत इबन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को दीन सिखाओ, इनके साथ आसानी का बर्ताव करो और सख्ती का बर्ताव ना करो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।